मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत नवी मुंबई में 394 मीटर लंबी सुरंग के लिए खुदाई का काम पूरा हो गया है, वो भी 6 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर। असामान्य स्थिति में 100 लोगों की टीम ने 24 घंटे निर्माण का काम किया। महाराष्ट्र में मुंबई नवी मुंबई के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में इस सुरंग को बनाने के बाद काफी तेजी आएगी। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना में समुद्र के नीचे सुरंग बनाने के लिए बड़ा मील का पत्थर हासिल किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की टनल साइट से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की एक ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस टनल के प्रोजेक्ट को पूरा किया गया तय समय के से भी पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की जो गति है वो महाराष्ट्र में किस कदर आगे बढ़ रही है, ये दिखाने के लिए हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं। मुंबई से सटे नवी मुंबई में इस वक्त हम हैं NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की साइट पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 394 मीटर का ये टनल, जो कि रिकॉर्ड 6 महीने में खोद कर इसे तैयार किया गया है। सेफ्टी गेट में इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी हम टनल के अंदर जाने वाले हैं। इसकी खासियत और क्यों है आखिर ये टनल चर्चा में, ये सब आपको हम अंदर जाकर दिखाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। तो 394 मीटर लंबे इस टनल में अब हम प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते के साथ ही आपको बता दें कि ये मुख्य वो टनल नहीं है जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। इसको एडेड टनल कहते हैं, यानी कि अतिरिक्त संचालित मध्यवर्ती सुरंग, जो कि जो मुख्य टनल होंगे उसके निर्माण संचालन वाहनों को ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल होगा, इस टनल का इस्तेमाल होगा। और आपातकालीन स्थिति में भी एक निकासी द्वार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना है। आपको बता दें कि इसे किस तरह से बनाया गया है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है, जिसमें ड्रिलिंग भी होता है, ब्लास्टिंग भी की जाती है। तो जो 21 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है मुंबई से नवी मुंबई यानी कि BKC से घनसोली तक का, वो 21 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर जो स्ट्रेच है टनल का, वहाँ पर ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल होगा, बोरिंग ड्रिलिंग मशीन का। लेकिन जो शेष 5 किलोमीटर है वहाँ पर ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल होगा, जहाँ पर ब्लास्टिंग भी की जाएगी ड्रिलिंग के साथ। और मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है टनल के अंदर, ये पूरी वायरिंग यहाँ पर इस कॉर्नर में की गई है और ये साइड पैसेज बनाया गया है ताकि जो वर्कर्स हैं वो इस साइड पैसेज से ही अंदर जाएं, क्योंकि जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए रखा गया है, क्योंकि ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग के बाद जो मलबा है वो गाड़ियों से बाहर निकाला जाता है, तो ये बीच का जो हिस्सा है उन गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए रखा गया है। तो इस सुरंग की खुदाई के बाद की पहली तस्वीर आप NDTV पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि जब ये तैयार हो जाएगा सुरंग पूरी तरह से बनके, तो इसकी चौड़ाई है वो 11 मीटर के करीब होगी और जो इसकी ऊंचाई है वो 6.4 मीटर की होगी। तो 21 किलोमीटर का जो ये टनल है मुंबई से नवी मुंबई तक का, उसमें से 16 किलोमीटर जो है वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होगा और जो शेष 5 किलोमीटर का जो रास्ता होगा वहाँ पर उस टनल के लिए इस्तेमाल होने वाला है यही मेथड जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, जहाँ पे ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग दोनों का इस्तेमाल किया जाना है। और इन 21 किलोमीटर में से आपको बता दें कि जो 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो समंदर के नीचे से आएगा, ठाणे क्रीक का वो हिस्सा होगा जो कि समंदर के नीचे से गुजरेगा। तो अपने आप में देश में ये ऐसा पहला टनल होगा जो इतनी लंबाई के साथ तैयार हो रहा है और समंदर के नीचे 7 किलोमीटर का स्ट्रेच गुजरने वाला है। तो अतिरिक्त संचालित मध्यवर्ती सुरंग यानी कि एडेड टनल के बिल्कुल अंत में, अंत छोर पर हम मौजूद हैं और आप देखें जो मुख्य टनल है जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी उसकी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। जैसे भी मशीनें अंदर मौजूद हैं, तमाम वर्कर्स आप देखें हाथ में पानी भी लिए, क्योंकि जब ड्रिलिंग होती है तो पानी का भी इस्तेमाल होता है और ये ड्रिलिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। अब से कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर ब्लास्ट भी किया जाएगा, तो चूंकि मीडिया यहाँ पर मौजूद है, मीडिया को देखते हुए कुछ देर के लिए ब्लास्ट रोका गया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर ब्लास्ट भी किया जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल करके इस टनल को तैयार किया गया है, यानी कि ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग दोनों ही करके इस टनल को बनाया जा रहा है।
तो टारगेट ये है कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जो पहला फेज है उसकी सौगात रेल मंत्री भी बता चुके हैं कि 2026 में ही लोगों को मिल जाएगी। आपको बता दें कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ये बुलेट ट्रेन की सौगात है ये लोगों को मिलने वाली, जिसका शुभारंभ जो है वो 2017 में ही हुआ था, लेकिन जो इसका काम है वो नवंबर 2021 से शुरू हुआ, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन है, जमीन अधिग्रहण का काम, उसमें बहुत देरी हुई, खासतौर से महाराष्ट्र के पैच में इसीलिए इतना समय लगा। लेकिन अब इसकी गति किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, कह सकते हैं कि बुलेट की रफ्तार से इसको बढ़ाने की कोशिश है, और उसकी एक तस्वीर, उसका एक उदाहरण आपको हम मुंबई से सटे नवी मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां पर रिकॉर्ड 6 महीने के अंदर इस टनल को तैयार किया गया है। नवी मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।